जी वालेकुम सलाम जी। अली भाई से मेरा सवाल है जी जी। अली भाई, हलाला जो है ना, उसके बारे में मेरा सवाल है, यानी हलाला क्या चीज है और ये कैसे अप्लाई होता है। मेरे भाई, हलाला आपके इल्म में कोई आई ऐसी बात जो आप पूछ रहे हैं? जी, मेरे काफी सारे दोस्त हैं और ये मुझसे पूछ रहे हैं कि, यानी वो बोलने के, आप अली अली भाई से पता करें और हमें फिर बताएं। हलाला यानी हलाले के बारे में उनको पता होगा, वो उसमें से जो पूछना चाह रहे हैं वो पूछे। हलाला के बारे में तो मैं बाद में बताऊंगा ना। मतलब वो एक बंदा कह रहा है कि अली भाई से पूछे भैंस के बारे में, तो भैंस के बारे में क्या पूछना है, हलाल है या हराम है ये पूछे। अब मैंने ये भी बताना है कि भैंस किसे कहते हैं। वो सवाल करें जो पूछ रहे हैं आपने, माइक ऑन करें। हाँ जी, जी अली सवाल भाई, करें। उन्होंने मुझे यही कहा कि आप ये पूछे कि, यानी हलाला, यानी ये जायज है इस्लाम की रोशनी में, क्या हदीसों नहीं, कोई में, जायज यानी। नहीं है। इसका जवाब यह है कि कोई जायज नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने लानत फरमाई है लाला करने या करवाने वाले के ऊपर। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले अपना। क्वेश्चन मेरा यह है अली भाई कि जिस तरह, यानी दूसरे मुल्क वाले हैं, जिस तरह यानी इजराइल हो गया, उन्होंने तो तरक्की कर लिया, यानी उनका साइंस टेक्नोलॉजी, और हमारा साइंस टेक्नोलॉजी कहाँ है। और उनने तो इतना तरक्की कर लिया कि वो हवा से पानी बनाते हैं, एयर वाटर उसे कहते हैं। तो हमने भी तो तरक्की की थी और ना। एक जमाना था ना, ऊपर देखते थे तो सोना, नीचे देखते तो सोना, दाएं देखे तो सोना। वो बुजुर्ग सारे मार दिए ना, वो मुसलमानों की सारी तरक्की मेरी वजह से खत्म हुई। मैंने सारे बाबे खत्म कर दिए। ये तो अवाम में से पानी बनाते हैं, वो अवाम में से सोना निकाला करते थे। वो सारे मुझसे गलती से कत्ल हो गए हैं, तो मुझे माफ कर दे। मैं उम्मत का मुजरिम हूं कि मैंने वो सारे बाबे मार दिए हैं जो अवाम में सोना निकाला करते थे। ठीक है, वरना आज हमारे काम आते हैं। मुझसे गलती हो गई है, अल्लाह ताला मुझे माफ करे जी। ठीक हो गया। दो सवाल हो गए आपके जी। ठीक है, जजाकल्ला दो जी, शुक्रिया जजाकल्ला। भाई। नेक्स्ट अली भाई हमारे साथ। वालेकुम भाई अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं इंडिया से हूँ, मुंबई से। वालेकुम अली भाई। जी, वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम। शेख साहब, मैंने आपकी एक पूरी भी सुन ली थी। अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे और अंबिया इकराम अलैहिम सलाम के मानने वालों को भी उन्हीं तकलीफों से गुजरना पड़ता है जो अंबिया इकराम को। नबी अलैहिस्सलाम आंखों के तारे थे कुरैश मक्का की, लेकिन जैसे ही आपने तौहीद की दावत शुरू की तो वो लोग जो आपको सादिक और अमीन कहते थे, उन्होंने आपको मक्के से निकलने पर मजबूर कर दिया। तो अगर हमें अपने रिश्तेदारों से या करीबी दोस्तों से कोई तकलीफ उठानी पड़े अकीदे तौहीद की वजह से, तो ये अंबिया का तरीका है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ को याद कर लिया करें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तकलीफ को याद कर लिया करें, तो इंशाल्लाह तकलीफ पे सब्र करना आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे, हमें आप दुआओं में याद रखा करें, हम भी आपको दुआओं में याद रखेंगे। ठीक हो गया जी। था मैं पहले बरेलवी था, तो मैंने अपने बेटे का नाम गौस रखा था, मोहम्मद गौस। तो अभी स्कूल में भी उसका नाम मतलब वही है, लेकिन अभी चूंकि मतलब मुस्लिम हो गया हूँ मैं पूरा, तो मैं ये सोचता हूँ हमेशा कि इसका ये नाम रखना ठीक है या फिर मतलब बदल दूँ, या फिर आप नहीं, बदले क्या कहते फौरन से पहले, हैं इस बदले बारे में? फौरन से पहले, हाँ जी फौरन से पहले बदले। बदले मोहम्मद गौस नाम है तो आप उसका नाम मोहम्मद अली रख दें। ठीक हो गया। हाँ जी, हाँ जी, और ठीक हो दूसरा गया। मेरा सवाल ये था कि मैं भी देवबंद मतलब एक मस्जिद है, मैं ज्यादातर वहां पर ही जाता हूँ नमाज के लिए। तो वहां के जो इमाम साहब है वो सूरह फातिहा में वलद दौलिन की बजाय वलद आ, आ, जौलीन मतलब करते हैं अदा, तो क्या नमाज हो जाएगी? हाँ जी, आपकी नमाज हो जाएगी। हाँ जी, उनकी आपकी गलती का नमाज हो जाएगी, उबाल उनकी आपके गलती ऊपर, का उबाल उनके ऊपर है, आपके ऊपर नहीं है। नमाज हो जाएगी। आप उनको एक दफा जरूर बता दें, उन्हें कहें कि मौलाना तारिक जमील साहब भी देवबंदी हैं और वो अरब मुल्कों में अरबी में बकायदा अरब की जमातों को
वाजो नसीहत करते हैं, लेक्चर्स देते हैं, तो वो भी आप देख लें, वो दुआ भी पढ़ते हैं इसको, तो उन्हें प्यार मोहब्बत से बताएं। फिर उन्हें ये बताएं कि देवबंद मदरसे में कुछ साल पहले इब्राहिम शरेम जो इमाम काबा है वो भी आए थे, अब्दुर्रहमान सुदेश भी आए थे, देवबंद वालों ने उनका पूरा इस्तकबाल किया था और उनकी वीडियोस इमाम काबा की तलावत की रखी हुई हैं, खाना काबा शरीफ में नमाज पढ़ाने की। उन्हें कहें कि ये वो इमाम है जो यहाँ आए थे, और बल्कि ये तो बताते हैं देवबंद वाले कि जो अब्दुर्रहमान सुदेश है ना, वो उनके उस्ताद जो है वो एक देवबंदी आलिम थे जिनसे उन्होंने अरबी यानी ये किरात वगैरह सीखी हुई है, तो वो तो मतलब बहुत लीन पढ़ते हैं, उन्हें अब्दुर्रहमान सुदेश की किरात सुनाए और उन्हें बताएं कि भाई अगर अरबियों को अरबी नहीं आती है तो ये अजमी लोग बताएंगे कि अरबियों ने अरबी कैसे पढ़नी है, तो इस तरह समझाएं। उसके बाद अगर वो समझे तो ठीक, ना समझे तो कोई मसला नहीं, आपकी नमाज दुरुस्त होगी उनके पीछे। वो सही बुखारी में 694 नंबर हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ऐसे इमाम आएंगे जो तुम्हें गलत नमाजें पढ़ाएंगे, तुम उनके पीछे नमाजें पढ़ लेना, उनकी गलती का वबाल उन्हीं के ऊपर होगा। और अगली हदीस 695 नंबर है जिसमें हजरत उस्मान से जब पूछते हैं लोग कि हमारे इमाम तो आप हैं और मस्जिद पे फितरों के इमाम का कब्जा है, तो वो ये कहते हैं कि नमाज ही मुसलमानों में एक नेकी का काम है, इसमें इनका साथ दो और बुराई में इनसे अलग रहो। तो इसके ऊपर इमाम बुखारी ने बाब बांधा है कि बिदती और बागी के पीछे नमाज पढ़ना भी दुरुस्त है। लिहाजा बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, ये सब हमारे मुसलमान भाई हैं, अपनी तमाम गलतियों के बावजूद इनके पीछे नमाज पढ़ना दुरुस्त है। ठीक है जी, आपके दोनों क्वेश्चन हो गए बिलाल भाई, नेक्स्ट जी दोस्त।